Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमने last lecture में projectile motion को study किया था जिसमें हमने detail में एक general case of projectile motion और special case of projectile motion की बात की थी. आज का जो हमारा lecture है उसके learning outcomes हैं. हम तीन formula derive करेंगे, height of projectile का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का. तो सवाल ये पैदा होता है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होता क्या है. अब हम प्रॉपरली इनको डिफाइन करेंगे और फिर इनका फार्मूला डेराइव करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात होती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की. तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी वी आई से लॉन्च करें एंगल थीटा पर, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है वर्टिकल, हाइट का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस जो मैक्सिमम कवर करता है, उसी को हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है. अगर मैं इसको एच से रिप्रेजेंट करूं तो फिर मैं डिफाइन कर सकता हूं कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये अगर आप डायग्राम में देखें तो वो ये होगा जिसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जा रहा है. अब हमने इसका फार्मूला डेराइव करना है, तो इसका फार्मूला डेराइव करने के लिए आइए हम यूटिलाइज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. और मैं आपको बता चुका हूँ हम वो वाली इक्वेशन ऑफ मोशन सिलेक्ट करते हैं जिसमें अननोन कम से कम और नोन वैल्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों. तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र नहीं है और हमारे पास टाइम गिवन भी नहीं. अब सिंस हमें यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस रिक्वायर है तो आइए इस इक्वेशन का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं. तो टेकिंग वर्टिकल कंपोनेंट मैं ऐसा करता हूँ तमाम वेक्टर्स के नीचे यानी ए एस वी एफ वी आई सब के नीचे वाई लिख लेता हूँ, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं या तमाम पैरामीटर्स का वर्टिकल कंपोनेंट देखने लगे हैं क्योंकि हमें वर्टिकल डिस्टेंस रिक्वायर है. अब आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया तो थ्रू आउट जी नीचे को होने की वजह से नेगेटिव होगा, तो ए वाई यहाँ पर माइनस जी होगा. एस वाई का नाम डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस अगर एच रख लिया जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर जो वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा जीरो. तो वी आई वाई विल बी इक्वल टू जीरो. और वी आई वाई क्या होता है हमें पहले ही पता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये होता है वी आई साइन थीटा. तो अगर ये सारी वैल्यूज प्लग कर दी जाएं, एक दफा दोबारा आप तसल्ली दे देख लें कि ए वाई की जगह माइनस जी, एस वाई की जगह एच, वी आई वाई की जगह जीरो और वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा प्लग किया जाए तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है टू इंटू माइनस जी इंटू एच इक्वल टू वी जीरो स्केयर माइनस वी आई साइन थीटा होल स्केयर. और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये रिलेशन आता है माइनस, अगर माइनस से कैंसिल कर दिया जाए और 2g मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g. और आप देख सकते हैं कि फार्मूले में सिर्फ दो अननोन हैं, नंबर वन इनिशियल वेलोसिटी एंड नंबर टू थीटा. मतलब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि प्रोजेक्टाइल को किस वेलोसिटी से फेंका और किस एंगल पर फेंका, ये दो पैरामीटर्स इस फार्मूले में प्लग करें तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जवाब आ जाएगा मीटर में, अगर आप सारी मेजरमेंट सिस्टम इंटरनेशनल में कर रहे होंगे. इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, प्रोजेक्टाइल को जहां से प्रोजेक्ट किया वहां से लेकर जमीन पर पहुंचने तक जो टाइम लगता है इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, यानी पूरी परवाज का वक्त. तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन यानी टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. अब स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला डेराइव करना है. अब हम 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें टाइम है ही नहीं. फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लगाऊं तो यहां पर भी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी, जो कि मैं यहां पर करने की जरूरत नहीं है. आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कि उसमें अननोन ज्यादा होंगे. तो इसीलिए हम यहां पर इक्वेशन यूटिलाइज करते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर मैं इस इक्वेशन का वर्टिकल कंपोनेंट लूँ या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी क्या हमें यहाँ पर वर्टिकल टाइम रिक्वायर है या हॉरिजॉन्टल टाइम रिक्वायर है। तो ये मेरा कहना ही गलत है, क्यों? क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो हमारी मर्जी है, हम इस इक्वेशन का चाहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें चाहे वर्टिकल। अच्छा, हमें एक ही डायमेंशन में इस इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये वन डायमेंशनल हैं, ये लीनियर मोशन के लिए हैं। मैंने आपको लिखवाया हुआ है जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाई थी। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, तो या तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे इक्वेशन का या वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैं जानबूझकर वर्टिकल कंपोनेंट लूँगा। आप चाहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ले ले, टाइम तो फिर भी सेम निकलेगा क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं डेलिब्रेटली यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट लेने में हमारे पास अननोन और कम हो जाएंगे और नॉन वैल्यूज कुछ ज़्यादा हो जाएंगी। वो कैसे, आप चेक कर लें। तो मैं लिखता हूँ जी टेकिंग वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट लेने में मैंने तमाम वैक्टर्स के नीचे वाई लिख लिया, टाइम के नीचे नहीं लिखा। अब ज़रा गौर से समझें, यहाँ पर जो एस वाई है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो एस है ये डिस्प्लेसमेंट है। अब जब पूरी फ्लाइट हो जाएगी, यानी प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला और यहाँ पर वापस आ जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। तो ये वो नॉन वैल्यू है जो हमें पता चल जाती है अगर हम इस इक्वेशन का वर्टिकल कंपोनेंट ले लें। तो आप चेक कर लें, एट टाइम ऑफ लाइट एस वाई विल बी इक्वल टू जीरो। लिहाजा अगर आप इक्वेशन में प्लग करें तो जीरो इक्वल हो जाएगा वी आई वाई इंटू कैपिटल टी। अब की बार मैंने लिख दिया, क्योंकि जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या जब एस वाई जीरो होगा, उस वक्त जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन चुका होगा, प्लस हाफ ए वाई कैपिटल टी स्क्वेयर। अब यहां पर वी आई वाई का हमें पहले ही पता है, वी आई साइन थीटा, और ए वाई का भी हमें पता है ये हमेशा माइनस जी है क्योंकि ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव ली गई है। ये भी अगर प्लग कर दी जाए तो इक्वेशन ये बनती है। इस स्टेप के बाद अगर आप ये प्लस माइनस माइनस लिख लें और अब आप ये स्टेप करें कि माइनस वाली अमाउंट को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास रिलेशन ये बन जाता है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर एक टाइम लेफ्ट हैंड साइड के एक टाइम से कैंसिल होगा, इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, इसलिए। और हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ जाता है फाइनल, वो आता है टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन, आप देख सकते हैं दो या नॉन है, एक इनिशियल वेलोसिटी और थीटा, इन दोनों का पता हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी पता चल जाएगा। फाइनली हम चलते हैं थर्ड डेरिवेशन की तरफ, जो कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की है। क्या होती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसी को रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। अगर आप इसे डायग्राम में देखना चाहें तो ये वाला डिस्टेंस है जिसको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला डेराइव करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां पर स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए तो मैं एक्स कंपोनेंट लूंगा, और अगर मैं यहां पर एक्स कंपोनेंट लूंगा यानी मैं लिखूंगा एस एक्स इज इक्वल टू वी एवरेज का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया कि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी तो रहती ही कांस्टेंट है, और आपको पता है कि अगर कोई पैरामीटर कांस्टेंट हो तो उसका एवरेज भी वही होता है, लिहाजा यहां पर वी एवरेज असल में वी एक्स ही है। तो ये स्टेप लिख दिया, और हमें पता है वी एक्स इक्वल होता है वी आई कोस थीटा, जबकि यहां पर जब पूरी रेंज की बात होगी तो वो जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी यहां पर जो स्मॉल टी टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, और जबकि जो वी एक्स है वो वी आई कोस थीटा है। तो आइए ये पॉइंट मैं थ्योरेटिकल भी बता देता हूं, वेयर टी इज टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी या प्रोजेक्टाइल आफ्टर लीविंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। अब यहां पर वी आई वी एक्स का भी पता है वी आई कोस थीटा, और एस एक्स का मतलब है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस जिसका नाम हमने आर रखा हुआ है, लिहाजा आर इक्वल हो गया वी आई कोस थीटा इनटू टी। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला प्लग करें तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बनता है वी आई स्क्वेयर, क्योंकि ये वी आई इस वी आई से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा वी आई स्क्वेयर। सो वी आई स्क्वेयर टू साइन थीटा कोस थीटा ओवर जी, और यहां पर टू साइन थीटा कोस थीटा
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि इक्वल होता है साइन 2 थीटा। मैथ वाले स्टूडेंट्स इसको चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, डबल एंगल फार्मूला में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इसको याद रख लें। जैसे आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरह ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी बोलते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे। जो वेरिएबल या थीटा के हर वेरिएबल हर वैल्यू के साथ सेटिस्फाई हो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, ना कि इक्वेशन। तो आप सिर्फ याद रखने वाली बात है कि आपको याद रखना है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा फार्मूला है। तो लिहाजा मैं ये लिख सकता हूं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फाइनल रिलेशन आ गया वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपने तीनों फार्मूलों में देखा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला था वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आया 2vi साइन थीटा ओवर जी, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आया वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तीनों फार्मूलों में जो अननोन है वो वी आई और थीटा है, यानी आप जस्ट मुझे ये बता दें कि प्रोजेक्टाइल को किस वेलोसिटी से लॉन्च किया और किस एंगल पर लॉन्च किया, प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट पर जाएगा, कितनी देर हवा में रहेगा और कितनी आगे हॉरिजॉन्टली जाएगा, तीनों चीज़ों का पता चल जाएगा। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की, जो कि MCQ की शक्ल में पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ते हुए कि कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें साइन थीटा या कोस थीटा आ जाता है वो उस वक्त मैक्सिमम होता है, उसका रिजल्ट उस वक्त मैक्सिमम होता है जब ये साइन थीटा या कोस थीटा मैक्सिमम हो। और आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब स्टूडेंट्स अगर आप रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि रेंज वाले फार्मूले में वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया साइन 2 थीटा, लिहाजा रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू या साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, लिहाजा साइन 2 थीटा होना चाहिए 1 अगर आप चाहें कि रेंज मैक्सिमम हो। और यहां पर अगर आप रीअरेंज करें मैथमेटिकली साइन को उधर ले जाएं तो 2 थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स 1, और साइन ऑफ इनवर्स 1 इक्वल होता है 90 डिग्री, और यहां पर थीटा को सब्जेक्ट बनाएं तो थीटा इक्वल हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। तो साबित हुआ कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर लॉन्च करें तो रेंज मैक्सिमम होगी। तो रेंज मैक्सिमम होती है जब प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर लॉन्च किया जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर ये मैं 45 डिग्री फार्मूले में प्लग करके आपको मैक्सिमम रेंज का फार्मूला भी दिखा दूं तो और भी MCQs और क्वेश्चंस करने के आप काबिल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं हैंस मैक्सिमम रेंज विल बी, यहां पर थीटा की जगह 45 प्लग कर दिया और साइन 2 इंटू 45 बन गया साइन 90, और साइन 90 इक्वल होता है 1, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया वी आई स्क्वेयर अपॉन जी। तो आपने दो फार्मूले पढ़े, रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ गया वी आई स्क्वेयर ओवर जी। आप चाहें तो इन दोनों का भी एक रिलेशन बना सकते हैं, मतलब वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी में अगर मैं ये जो वी आई स्क्वेयर ओवर जी है इसकी जगह चाहें तो आप मैक्सिमम रेंज लिख सकते हैं। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि रेंज का एक और फार्मूला बन गया R इज इक्वल टू R मैक्स, R इज इक्वल टू R मैक्स साइन 2 थीटा। तो इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने रिलायबिलिटी के लिए आपको बता दिया। तो हमारे पास दो फार्मूले आए, एक रेंज का वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आता है वी आई स्क्वेयर ओवर जी। और ये जो मैंने एक और फार्मूला बना के दिया है इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ MCQs। तो डियर स्टूडेंट्स आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट प्रोपल्जन है। उससे पहले असाइनमेंट वाला वर्क आप देख लें, एक सिंपल सा MCQ मैंने आपकी खिदमत में रखा कि एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर लॉन्च किया गया है, अगर उसको लॉन्च करते हुए उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई हो, बिग ई कैपिटल ई या एल्डर ई हो, और एयर रेजिस्टेंस को अगर आप इग्नोर करें तो बताइए टॉप पर पहुंचकर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0.5e, 0.71e, 0.87e या
ई या उतना डी डेल्टा ऑप्शन बता रहा है, ई का मतलब उतनी ही रहेगी। तो ये एक सिंपल एमसीक्यू है। मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं असाइनमेंट में आपको करके दिखाऊंगा आप मानेंगे कि बड़ा सिंपल था। आप अगर इसकी कोशिश करें तो आप कर भी सकते हैं। एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट होता है और वो होता है वी एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आपको वी एक्स स्क्वायर लगाना होगा टॉप पर, जो कि बन जाएगा वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो हो सकता है आपके पास जो फार्मूला बन जाए टॉप पर काइनेटिक एनर्जी का, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कोस स्क्वायर थीटा बन जाए। काफ़ी हिंट मैंने आपको दे दिया, आप कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रॉकेट प्रोपल्शन और बैलिस्टिक मिसाइल को स्टडी करेंगे। आप बैलिस्टिक मिसाइल इसे पढ़ें या बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ें, दोनों वर्ड्स ठीक हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।